रोज उराव असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय के अंतर्गत फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड जतरा भगत के बारे में जानकारी दे रही हूँ। भारतवर्ष में देशभक्ति की उज्ज्वल परंपरा रही है। झारखंड में निवास करने वाले जनजातियों ने भी देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, जतरा भगत ऐसे कई नाम हैं जिन्हें हम झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद करते हैं। बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन के बाद झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में टाना भगत आंदोलन का भी प्रमुख स्थान है। बिरसा मुंडा द्वारा शुरू किया गया स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई बिरसा मुंडा के देहांत के बाद समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन आंदोलन में थोड़ी शिथिलता आई। दूसरी ओर अंग्रेजों द्वारा भूमि हस्तांतरण, आर्थिक धार्मिक शोषण और दमनकारी नीति के कारण असंतोष लगातार बढ़ता ही जा रहा था। विभिन्न जगहों पर उराव जनजातियों द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा था, लेकिन संगठित न होने के कारण वे सफल नहीं हो पा रहे थे। इन्हीं परिस्थिति में जतरा उराव धार्मिक सामाजिक पुनर्रचना के संकल्प के साथ सामने आया, जो बाद में जतरा टाना भगत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इनके नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चलाया जाने वाला आंदोलन टाना भगत आंदोलन के नाम से जाना गया। अंग्रेजी राज के अत्याचार, बैठ बेगारी प्रथा, अंधविश्वास, मांस मदिरा सेवन तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में जतरा ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। जतरा भगत द्वारा 1914 ईस्वी में शुरू हुए टाना भगत आंदोलन के तहत उराव समाज के गौरवशाली परंपरा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। टाना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत का जन्म गुमला जिला अंतर्गत बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी गांव में 1888 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम कोंडल उराव और माता का नाम लिबरी था। जतरा भगत की पत्नी का नाम बंधनी था। इनके चार पुत्र बुद्धू, बंधु, सुद्धू और देशा तथा दो पुत्रियां बिरसो और बुधनी थी। इनका बचपन साधारण ढंग से बीता, लेकिन छोटी उम्र से ही इनका अलग स्वभाव स्पष्ट होने लगा था। ओझामती की विद्या सीखने के लिए किशोरावस्था में जतरा चिंगरी के नजदीक हेसरा ग्राम में तुरिया भगत के यहाँ जाने लगे। इसी क्रम में एक दिन एक वृक्ष पर चिड़िया का अंडा उतारने के लिए चढ़े। उतारने के दौरान अंडा उसके हाथ से नीचे गिरकर फूट गया। उसमें से जो तरल पदार्थ गिरा उसको देखकर जतरा भगत को लगा कि यह तो जीव हत्या है। उसी दिन से उसने जीव हत्या न करने का संकल्प लिया। जन श्रुतियों के अनुसार 1914 ईस्वी के अप्रैल माह में एक दिन जब जतरा ओझामती सीख कर आ रहे थे तो हेसराग के निकट गुदराकोना पोखरा में स्नान करने के क्रम में उसे उराव के सबसे बड़े देवता धर्मेश के दर्शन हुए। उसने लोगों को बतलाया। धर्मेश ने उन्हें ओझा विद्या सीखने की मनाही की। भूत प्रेतों में यकीन ना करके केवल एक ईश्वर में यकीन करने को कहा। जतरा उराव को यह एहसास हुआ कि उसका समाज कई बुराइयों और अंधविश्वास के कारण निम्न स्तर पर चला गया है, अतः उसे बुराइयों से ऊपर खींचने की आवश्यकता है और उनको धर्मेश ही बाहर टान सकता अर्थात निकाल सकता है। उसने मंत्र गाया, ताना बाबा ताना, भूतनी के ताना, ताना बाबा ताना, टान टून ताना। उसने लोगों को बतलाया कि उराव समुदाय के पिछड़ने का कारण परमपिता ईश्वर धर्मेश की नाराजगी है। उराव समुदाय के लोग अपना धर्म बदलकर दूसरों की बेगारी करके तथा मांस मदिरा का सेवन करके अपने आप को निम्न स्तर पर ले गए हैं, जिससे उनके पूर्वज उनसे नाराज हो गए हैं। ईश्वर धर्मेश ने उनको सही रास्ते पे लाने की जिम्मेदारी जतरा के सुपुर्द किया है। लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया। जतरा ने घूम घूम कर सामाजिक बुराइयों को दूर करने, पवित्र रहने के लिए मानसिक प्रयत्न करने, मांस मदिरा खान पान तथा पशु बलि पर रोक
परोपकारी बनने, भूत प्रेत का अस्तित्व न मानने, आंगन में तुलसी चौरा स्थापित करने, गौ सेवा करने, अंग्रेजों की बेगारी न करने, ध्यान चिंतन में लीन रहने का उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने घूम घूम कर उरांव युवाओं को संगठित किया एवं कुड़ुक धर्म अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कराया। जतरा उरांव के प्रचारक अपने हाथ में एक विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र लिए रहते थे, उससे टन टन की ध्वनि उत्पन्न कर अपने पहुंचने का संदेश देते थे। वे जतरा द्वारा दिए वाक्य घोष कहते थे, टाना टन टाना, कांसा पीतल मना, दोना पत्री खाना, हड़िया दारू मना, टाना बाबा टाना। टाना का शाब्दिक अर्थ होता है तानना या खींचना। जतरा उरांव ने लोगों में नैतिक भक्ति का प्रचार किया। उसने विदेशी अंग्रेजी सरकार से देश को मुक्त कराने के साथ साथ समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने का आदेश दिया। उन्होंने आदिवासी समाज में व्याप्त भूत पूजा, जादू टोना, मांस मदिरा का सेवन, बलि प्रथा आदि बुराइयों के विरुद्ध अभियान छेड़ा और सफल भी हुए। उनके उपदेशों से उरांव समुदाय के लोग काफी प्रभावित हुए और उसके समर्थकों की संख्या में बढ़ोतरी होती गई। उनके अनुयायी टाना भगत कहलाए। जतरा के उपदेशों को सुनने के लिए दूर दूर इलाकों से लोग आने लगे। बृहस्पतिवार को सामूहिक प्रार्थना का दिन निश्चित था। टाना भगतों ने अंग्रेजों को माल गुजारी, चौकीदारी टैक्स भी देना बंद कर दिया। कम ही समय में जतरा के उपदेशों का ऐसा प्रभाव हुआ कि मुंडा, खड़िया और गैर जनजाति भी टाना पंथ से जुड़ने लगे। टाना आंदोलन के तेजी से प्रसार एवं कठोरता पूर्वक विचारों के पालन का परिणाम यह हुआ कि इतने संगठित रूप से बढ़ते आंदोलन के प्रभाव से ब्रिटिश सरकार भी चिंतित हो उठी। 1916 ईस्वी के आरंभ में जतरा भगत पर नियोजित ढंग से उत्तेजक विचारों के प्रचार का अभियोग लगाकर उनके सात अनुयायियों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसे कड़ी सजा देते हुए जेल में बंद कर दिया गया। कुछ दिनों बाद जेल से उसे इस शर्त पर छोड़ा गया कि वह अपने नए सिद्धांतों का प्रचार नहीं करेगा और शांति बनाए रखेगा। उसे जेल में अत्याधिक प्रताड़ित किया गया। जेल में मिली घोर प्रताड़ना के फलस्वरूप जेल से बाहर आने के बाद दो महीने के अंदर ही 1917 ईस्वी के मध्य 28 वर्षीय जतरा भगत का देहांत हो गया। जतरा भगत के देहांत के बाद जतरा के अनुयायियों ने आंदोलन को शिथिल नहीं होने दिया। अंग्रेजों के विरोध के रूप में जमीन के मालगुजारी नहीं देने और अंग्रेजों से जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर चले जाने के मुखर स्वर के साथ वे शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से विरोध करते रहे। जतरा भगत के द्वारा शुरू किया गया टाना भगत आंदोलन जनजातीय समाज में अंधविश्वासों से मुक्त, आध्यात्मिक दृष्टि के साथ सात्विक एवं निडर जीवन जीने की नई शैली का सूत्रपात था। इस विचारधारा के प्रभाव से अन्याय के खिलाफ लड़ने की नई दृष्टि आदिवासी समाज में पनपी। वास्तव में यह आंदोलन अंग्रेजों और अन्याय के खिलाफ एकजुट होने के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था। टाना भगत आंदोलन अपनी अहिंसक नीति के कारण निरंतर विकसित होते हुए महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। कालांतर में यह आंदोलन जनजातीय क्षेत्र का प्रखर स्वदेशी स्वावलंबन और स्वधर्म के प्रतीक के रूप में अहिंसक संपूर्ण गांधीवादी जन आंदोलन साबित हुआ। वास्तव में टाना भगतों का आदर्श और सिद्धांत जैसे शुद्ध सात्विक त्यागपूर्ण जीवन जीना, अहिंसा का पालन आदि गांधी जी के सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अनुरूप थे। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का आगमन रांची हुआ और वे टाना भगतों से मिलकर काफी प्रभावित हुए। टाना भगत भी गांधी जी से मिलकर प्रभावित हुए और बाद के दिनों में वे पूरी तरह से गांधी जी के बताए मार्गों का अनुसरण करने लगे। टाना भगत आंदोलन झारखंड की धरती पर अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन था। जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू किया गया टाना भगत आंदोलन ने हमारे देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज के लेक्चर में बस इतना ही।
मुझे उम्मीद है आप सभी खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। मास्क का उपयोग करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सुरक्षित और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।